इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दूंगी ये चिली फ्लेक्स है, जीरा पाउडर है, दो सूखी मिर्च है, दो तीन तेज पत्ता है, ये हींग है, एक चिली है, और ये है सॉल्ट, ये है टर्मरिक पाउडर, और ये है आमचूर पाउडर, ये है करंजी, और इसको मैंने मिक्सचर पेस्ट को प्याज इसको घोल के रखा है। तो चलिए पहले मैंने परवल को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं पहले इसमें दूंगी हल्दी दूंगी, उसके बाद तेज पत्ता दूंगी, उसके बाद मैं हींग दूंगी, उसके बाद ये चिली दे दूंगी। तो देखिए ये तड़का हो चुकी है, अब इसमें परवल को थोड़ा फ्राई कर लूँगी और इसमें हल्दी पाउडर दे देती हूँ, जिससे आप जो परवल या फ्राई कर रही हैं इसलिए छिटकेगा नहीं आपके ऊपर। तो मैं हल्दी पाउडर दे दे रही हूँ उसे, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जब तक परवल फ्राई हो रही है तब तक मैं इधर जो जो मसाला था मैंने सब मसाला सब कुछ इसमें दे दिया है, जैसे जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर इसमें सब घोल के, चिली फ्लेक्स इसमें घोल के मैंने रखा है। ये इधर परवल फ्राई हो रही है, ये भेज रखी थी, इसको अपने घर पे फ्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ये चावल के साथ तो अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, इसको बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए परवल फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट और दही का एक जो घोल बनाई है उसमें दे देती हूँ, और इसको ढक के 5 मिनट तक पकाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पटोले चावल बन के अब तैयार हैं, अब मैं इसको उतार लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है, तो ये पटोले चावल भी बन के अब तैयार है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आएगा, पटोले चावल तो परवल का झाल। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हो। और टिल देन तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, टाटा बाय।